नमस्कार, मैं विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है वो है, रात को नींद अच्छी क्यों नहीं आती, रात को नींद पूरी क्यों नहीं होती। जब तक आपकी सोने की दिशा सही नहीं होगी तो आपके शरीर को एनर्जी सही नहीं मिलेगी। शरीर को जो एनर्जी दिन भर के काम के लिए चाहिए वो हमेशा रात को मिलती है। जब आप रात को अपने बिस्तर पर सोते हैं और पूरी थकावट आपकी दूर होती है और सुबह तरोताज़ा आप उठते हैं तो आप पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं और पूरा दिन आप अपना काम सही तरीके से करते हैं। यदि आपका सोने का सिस्टम सही ना हो तो आप जैसी थकावट दिन भर की लेकर रात को सोते हैं और वैसी ही थकावट लेकर आप सुबह उठ जाते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, आपको अपनी सही दिशा का चुनाव करना है जहां आप सही तरीके से सो जाएं और रात को जब आप अपने बिस्तर पर सोए तो आप सुबह उठे तो आपके शरीर के अंदर पूरी एनर्जी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है, जो व्यक्ति दो दरवाजों के बीच में सोता है वो हमेशा दिन भर की थकावट को लेकर सोता है और सुबह उठता है तो वो थकावट उसके पास होती है, यानी उसकी नींद अच्छी नहीं होती और वो थकावट के साथ ही सुबह उठता है और दिन भर की वर्किंग भी उसकी ऐसी ही होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, दो दरवाजों के बीच में आपको कभी भी नहीं सोना। जो व्यक्ति लंबे समय से दो दरवाजों के बीच में सोता है उसके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और कोई ना कोई ऐसी बीमारी भी शरीर में लग जाती है जिसका इलाज होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको करना क्या है, आप अपने सोने की दिशा को सही करें। आप अपना बेड साउथ की दीवार पर या ईस्ट की दीवार पर लगाएं। सोते समय आपका सिर साउथ की ओर होना चाहिए या ईस्ट की ओर होना चाहिए। आपका प्रतिबिंब कभी भी दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर, लुकिंग मिरर के अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। यदि आपके बेडरूम में लुकिंग मिरर है और आप जब सोते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में नज़र आता है तो आपको करना क्या है, आप अपने दर्पण के ऊपर रात को सोते समय पर्दा लगाकर सोएं। ऐसा करने से भी आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। इसमें आपने सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो दो दरवाजों के बीच में नहीं सोना है और दूसरा जो काम करना है आपने साउथ में सिर या ईस्ट में सिर रखकर ही सोना है। आप ये काम करेंगे तो आपकी नींद भी अच्छी होगी और आपको थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि रात के समय जो एनर्जी मिलती है वो दिन भर की वर्किंग के लिए होती है। रात को हम एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और दिन में उस एनर्जी को खर्च कर देते हैं, इसलिए दिन और रात में अंतर होता है। क्योंकि रात के समय जब शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है तो उसके अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाती है और दिन भर जब हम वर्किंग करते हैं तो वो एनर्जी हम पूरे दिन में खर्च करते हैं। जब हम बिस्तर पर सोएं तो हमें नींद अच्छी आनी चाहिए ताकि हमारी दिन भर की वर्किंग अच्छी हो सके। सिर्फ आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।